नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज भी रहेगा आपके सामने अरिहंत के एनसीईआरटी सॉल्यूशन साइंस क्लास टेंथ विद सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जामिनर प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या खास है इस बुक में और क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो ये MRP 180 लिए हुए है, 180 इसका MRP है। और नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको 384 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कंटेंट इस बुक में है। इसका रिव्यू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप क्लास टेंथ या ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और आप NCERT को सोल्व कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम ऑफ यू से, कंपटीशन के एग्जाम ऑफ यू से, और आपको NCERT के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे, आप बार बार मोबाइल ओपन कर रहे हैं, आप गूगल सर्च कर रहे हैं, आप कुछ फेमस है जैसे मेडिटेशन हो गया, NCERT सोल्यूशन ऐप्स होगी उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उन सबसे बचने के लिए ये बेस्ट बुक है NCERT सोल्यूशन की अरिहंत द्वारा कम प्राइस में। और सारे सारे सॉल्यूशन है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें देखने को मिलते हैं, तो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंडेड करता हूँ। और अच्छे से जो NCERT सॉल्यूशन है बहुत कम एरर्स है, एरर्स तो है लेकिन बहुत कम एरर्स है, बाकी ओवरऑल अच्छी बुक है। तो अरिहंत की आप NCERT सॉल्यूशन ही लीजिए किसी और बुक की कंपैरिजन में। बात कर लेते हैं सबसे पहले कंटेंट्स की, क्या क्या कंटेंट्स में आपको देखने को मिलता है क्लास टेंथ की साइंस के लिए। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द लास्ट वन इज द आवर एनवायरमेंट। तो ये कंटेंट्स इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आप चलते हैं, आपको कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी क्या आपके सिलेबस में है, कितने मार्क्स का क्या पोर्शन आता है, प्रैक्टिकल्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं ये फर्स्ट टर्म के लिए है और ये जो सिलेबस है ये सेकेंड टर्म के लिए है प्रैक्टिकल के साथ। अब टर्म वन स्टार्ट करते हैं, तो टर्म वन में ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स कवर होते हैं। अब पहले चैप्टर की हम बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें क्या खास है, क्या पैटर्न है चैप्टर का, वो समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहले चैप्टर में वो स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं। नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो नो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दे दिए गए हैं। इसके बाद शुरू होते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपकी NCERT बुक में होते हैं और यहां तक कि पेज नंबर भी दिया गया है ऑन पेज 6, यानी पेज 6 पर NCERT की बुक में जो क्वेश्चन है यहां पर उनका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन 2 इनके आंसर, क्वेश्चन 3 उनका आंसर, फिर 10 जो पेज 10 पर क्वेश्चन है उनके आंसर दिए गए हैं। बीच बीच में इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनके आंसर यहां पर दिए गए हैं। ऑन पेज 13 उनके आंसर यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद NCERT एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, क्वेश्चन 1 उसका आंसर, क्वेश्चन 2 उसका आंसर, क्वेश्चन 3 उसका आंसर, 4, 5 ठीक है ना, डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट कर दिया गया है, आपको वेल एक्सप्लेन यहां पर सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और यहां पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जब 20 NCERT क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होते हैं तो उसके बाद शुरू होता है सिलेक्टेड NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। मतलब एग्जाम्पलर की बुक भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उसके सॉल्यूशन की बुक आती है वैसे अलग से, उसे लेने की जरूरत नहीं है, यही पर उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने देखा है कि CBSE बोर्ड सीधे सीधे NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन रख देता है, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। तो टेंथ के लिए तो मैं NCERT ही रिकमेंडेड करता हूँ। और बाकी और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आगे चैनल में बताऊंगा आपको, आगे वीडियो डालने स्टार्ट करूंगा जब बुक रिव्यू की वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं लेक्चर्स लेकर आया करूंगा मोस्टली हर एक कोर्स के, पेड कोर्स के भी आपको फ्री अवेलेबल कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे चलते हैं, इसमें आपको फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव थे फिर शॉर्ट आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, तो
लास्ट में 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। तो सीधा सीधा सा पैटर्न है जो चैप्टर का, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, फिर इंटेक्स क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच बीच में आपको देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी के, वे देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और उसमें के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये पिछले चैप्टर में इसकी कमी थी, लेकिन ये मिलते हैं, और फिर यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस, ये जो पैटर्न है, ये पूरी बुक में यूज़ किया गया है, हर एक चैप्टर में यूज़ किया गया है, और काफ़ी कमाल का जो सॉल्यूशन है, जो पैटर्न है वो दिया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लगी। कभी कभी इसमें इतना डिस्काउंट आ जाता है कि 180 की बुक आपको लगभग 90 रुपए की देखने को मिलती है, और अगर आप कंबाइन पूरी क्लास की बुक्स खरीदते हैं तो लगभग 60 रुपए की एक बुक आपको पड़ जाती है। तो 60 रुपए में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, वैलिड सॉल्यूशन मिल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिल रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपको यही चुननी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियो लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।